हेलो और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग का बैंकिंग कैरियर के ऑफिशियल चैनल पे सुमित सौरभ आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मुझे लगा कि एसबीआई पे आप सभी लोग के बीच में मैं कुछ चर्चा करूं और आप सभी लोग को एक वीडियो पहुंचाऊं। हर एक लोग को वीडियो यदि पसंद आए तो ज़रूर है कि फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और हम सभी पे जिस तरह से आप सभी लोग भरोसा जताए रखे उस तरह से हमेशा की तरह जताए रखेंगे। हर एक लोग शुरू से वीडियो को अंत तक जरूर है कि देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आज एसबीआई के बीच में चर्चा ये करने वाले हैं। हम सभी लोग ये दिन का इंतजार कर रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क की एग्जाम डेट कब आएगा। हम सभी लोग के इंतजार है ये कि एग्जाम डेट कब आएगा। कभी लगता है कि एग्जाम अपने शेड्यूल पर होगा तो कभी लगता है कि एग्जाम अपने शेड्यूल पर नहीं होगा, और आप सभी लोग भी ये चीजों को सोच रहे होंगे। ठीक है, पर मेरा यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है और एसबीआई को जब मैं देख रहा हूँ, यानी एसबीआई का जो भी अभी हाल फिलहाल में जो डिसीजन लिया गया है, वो सब चीज किस बातों को हिंट कर रहा है, थोड़ा सा आप भी यहाँ पर सोचे। जिस तरह से एसबीआई ने पिछले बीते हुए 2 दिन पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड किया, और आप सभी लोग जान रहे हैं कि वो एक्सटेंड किया हुआ जो डेट है वो सिर्फ 3 दिन का है, यानी जो जो 17 तारीख डेट था उसको बढ़ा करके उसने 20 तारीख कर दिया था, यानी सिर्फ 3 दिन बढ़ाने का। वो शायद बढ़ा सकता था 3 से ज्यादा भी दिन। तो आप इस बातों से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर के बताएंगे। पर मेरा यहाँ पर सोच है सिर्फ 3 दिन बढ़ाने का, शायद एसबीआई जो है वो पूर्ण रूप से इस बातों को सोच रखा है और आज भी इस बातों को सोच रहे हैं वो कि एग्जाम अपने टाइम के अकॉर्डिंग हो, यानी जून मंथ में ही हो। दूसरी तरफ एसबीआई की कितनी भी सोच है, हमारे देश के अंदर में जो कोविड है, कोविड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर वहां पर नजर आ रहा है। अब कोविड की केसेस यदि बढ़ जाए तो वो कुछ भी चाहे वो कोई पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम वहां पर आपका लेने लायक सिचुएशन नहीं होगा। पर कोविड के भी केसेस आप अभी के पिछले 1 हफ्ता से आप देखें तो कोविड के केसेस भी डे टू डे जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ कर्नाटका को छोड़ दिया जाए, आप लोग भी न्यूज़ को देखे होंगे, सिर्फ कर्नाटका को छोड़ दिया जाए वहीं पर कोविड के केसेस जो है बढ़ रही है। रिकवरी रेट भी काफी अच्छे ढंग से डिक्रीज हो रहा है हर एक स्टेट के अंदर पे, यानी कि और जबकि अभी आज के डेट पे ये जून चल रहा है आपका 17 मई, अभी भी जून आने में जो है 13 दिन यहाँ से कम बाकी है, और फिर जून का फर्स्ट वीक भी अभी आपके पास बचे हुए हैं, यानी कि अभी काफी समय पर्याप्त है। शायद उस समय तक कोविड जो है वो नॉर्मल कंडीशन पर मे भी हो सकता है। तो मेरा मानना यहाँ पर ये लगता है कि एसबीआई की जो जूनियर एसोसिएट की जो एग्जाम है वो अपने जून में ही एग्जाम हो, ठीक है, जहां तक पॉसिबल है। हालांकि कोविड के कैसे, हालांकि भगवान ना चाहे कि कोविड की केसेस बढ़े, वो घट करके खत्म हो जाए, यही मैं भी कामना करता हूँ, और एग्जाम जरूर है कि अपने शेड्यूल टाइम पर हो। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर सजेशन भी एक बात का दूंगा कि एग्जाम जो भी है फ्रेंड्स जून पर जो होने वाला है या फिर वो जुलाई में हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, और जहां तक चांसेस है जून में, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया, मेरा ये है कि आप लोग अपने पढ़ाई को ढिलाई ना करें, अपने मॉक टेस्ट आप करें, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को करें, प्रीवियस ईयर पेपर को करें, सेल्फ स्टडी प्लान काफी अच्छे ढंग से आप सभी लोग बना के रखें। ठीक है, क्योंकि आप ये टारगेट को लेके चले कि एग्जाम जो है जूनियर एसोसिएट की यानी क्लर्क की जो एग्जाम है वो जून के सेकेंड वीक में हो, आप इसी को अपना टारगेट बना करके प्रिपरेशन को करें। जिस तरह से आप सभी लोग मेरे साथ क्लास में बने रहते हैं 12:30 बजे का, जो कि मैं रीजनिंग का सेशन एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हमेशा आप सभी लोग के पास लेकर के आता हूँ, तो जरूर है कि जो लोग भी नहीं आते हैं वो लोग जरूर है कि एक बार आए, शायद उनको उम्मीद से ज्यादा वहां पर आपको चीजें मिलेगा, और बहुत अच्छे ढंग से आपको वहां पर मैं पढ़ाता भी हूँ, और मेमोरी बेस के एक हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं वहां पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो हर एक लोग 12:30 बजे मेरे सेशन को जरूर है कि ज्वाइन करे, और लक्ष्य जो है फ्रेंड्स जून के सेकेंड वीक को ही लेके चले कि वहां पर एग्जाम होना है। देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं कुछ सजेशन भी यहाँ पर दूंगा, कोई भी आपको घर से बुलाकर नहीं लाएगा, कोई भी आपको घर से बुलाकर नहीं लाएगा, आपको खुद मोटिवेट होकर अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए,
इतना आगे बढ़ाइए कि आपकी लक्ष्य आपको जरूर है कि फ्रेंड्स प्राप्त हो। नेगेटिव चीजों से दूर रहे या फिर नेगेटिव लोगों से भी फ्रेंड दूर रहे, ठीक है। जहां से भी आपको अच्छा मिलता है कंटेंट, जहां पर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है फ्रेंड्स, वहां से आप जरूर है कि पढ़ाई करें। बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको वहां पे पढ़ाई आप होते हैं, चाहे वो SBI को लेकर के बात करो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर के बात करें। बस होना चाहिए कि जो आपका एजुकेटर है, जो आपके टीचर है, उसकी ट्रेनिंग आपको मैच कर जाए, यानी वो टीचर आपके लिए परफेक्ट होगा, ठीक है। यदि आप सभी लोग यदि आज तक इधर उधर भटक करके पढ़ रहे हैं, तो जरूर है कि फ्रेंड्स एक बार आप मेरे क्लास में यहाँ पर आए और 12:30 बजे का सेशन को जरूर है कि ज्वाइन करें इस बैंकिंग कैरियर के अंदर में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मेमोरी बेस की क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर भाई और बहन मेरे क्लासेस में आते हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर है कि जून के सेकेंड वीक अपने टारगेट को लेकर के चले और पढ़ाई को पूरे एकदम डिसिप्लिन मैनर से आप सभी लोग को पढ़ना है। तो जरूर है कि फ्रेंड्स आप अपने रिजल्ट को, अपने कामयाबी को जरूर है कि आप पा पाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन, सभी लोग को गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल, बाय बाय।